तो गाइज जो एप्लीकेशन नंबर थर्ड है वो क्या है हमारा, वो है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें हमें बताया होगा या दिया होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल है कि सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर और वेलोसिटी पर और रेडियस आर पर। तो ये क्या हमारा सेंटीमीटर फोर्स है बता रहे हैं हमें। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है या जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसे सेंटर की ओर को जो फोर्स लगता है, ये वाला फोर्स जो सेंटर की ओर को लगेगा उससे हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द पार्टिकल। सपोज कोई पार्टिकल एम मास का वो मूव कर रहा है इसमें एम उसके मास पर और उस पार्टिकल की स्पीड क्या है वेलोसिटी वी पर एंड इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है। सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो इस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसके लिए हमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा के, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कॉन्स्टेंट आता है के, इंटू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर पार लगा देंगे ए बी और सी अपने में से लगाएंगे। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन को रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मा कितना होता है एम एल टी माइनस टू, यहाँ लगा देंगे वन और वन इक्वल टू के, के तो कॉन्स्टेंट इसको रहने देंगे ऐसे, यहाँ लिख दो एम की लिखेंगे एम एम की पावर ए एंड वी वी फॉर क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन इसके पावर में आ जाएगा बी इंटू आर रेडियस है रेडियस का मतलब लेंथ, लेंथ की पावर क्या आएगी सी। तो सॉल्व करेंगे तो ऐसे लेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ देखिए इसे लिखेंगे एम की पावर ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एल की पावर बी इंटू टी की पावर क्या आएगा माइनस बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एल की पावर सी। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लिखते जाएंगे एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू, अगेन देखिए यहाँ पर के ऐसे रहेगा, यहाँ देखिए आप इसको जो लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ m m की पावर हो जाएगा ए, अब देखिए l की पावर b है l की पावर c है तो क्या लिख सकते हैं, जब भी पावर सेम होती सॉरी जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं l की पावर b प्लस c एंड t की पावर कितना है माइनस b। अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, यहाँ पर हम पावर्स की कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। किसकी पावर की कंपेयर करेंगे, एम की पावर की एम के साथ, एल की पावर की एल के साथ एंड टी की पावर की टी के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, दोनों ओर पावर की करेंगे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एम की पावर क्या है ए और यहाँ एम की पावर कितना है वन, तो क्या मिलेगा हमें ए इक्वल टू क्या मिलेगा वन। अगेन देखिए यहाँ पर एल की पावर वन है, यहाँ एल की पावर कितना है बी प्लस सी, तो यहाँ से क्या मिला हमें बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा वन। अगेन देखिए यहाँ पर टी की पावर है माइनस बी, यहाँ टी की पावर है माइनस टू, तो रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस से माइनस काटा तो बी इक्वल टू क्या मिला टू, ए मिल गया बी मिल गया, अब हम बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सी भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये टू प्लस सी इक्वल टू वन, वहाँ भेज देंगे तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन माइनस टू, तो c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन। अब हम क्या करेंगे a b और जो हमारी a की वैल्यू आई b की वैल्यू आई c की वैल्यू आई a b और c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें लिखा देखिए f इक्वल टू के m m की पावर a, a कितना है वन एंड वेलोसिटी v, v की पावर कितनी है b, b कितना है हमारा टू एंड जो हमारा आर है आर की पावर है सी एंड सी कितना है हमारा माइनस वन, तो यहाँ रखेंगे माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एफ इक्वल टू के इसको लिखेंगे हम एम वी स्क्वायर आर को अपॉन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आर, तो ये हमारा सेंटीमीटर फोर्स का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। अगर हम के इक्वल टू वन रिप्लेस करें के कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हमारा सेंटीमीटर फोर्स का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। ये वाला फॉर्मूला आप फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी फॉर्मूला आएगा, किसका फॉर्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड होगा। क्या दिया हमें इस क्वेश्चन में, देखिए आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा रिलेशन फाइंड करने का वो ऐसे गिवन होगा। यहाँ पर लिखा है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब हमें क्या दिया है टाइम ऑफ पीरियड दिया है टी, ध्यान देखिए क्या क्या गिवन है, यहाँ लिखना हमें पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है टी, टाइम दिया हमें टाइम ऑफ पीरियड ऑफ अ ट्यूनिंग फॉग डिपेंड्स ऑन, ट्यूनिंग फॉग का टाइम ऑफ पीरियड डिपेंड कर रहा है। टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसे हम टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं, या वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम ऑफ पीरियड लिया जाता है, जो टाइम लिया जाता है उसे हम टाइम ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ अ ट्यूनिंग फॉग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ इट्स प्रॉन्ग, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एंड क्या दिया है हमें एल लिख देते हैं लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है, कॉमा लिखा है यहाँ पर डेंसिटी डी, डेंसिटी डी पे डिपेंड कर रहा है
एंड यंग्स मॉडुलस वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ पीरियड, तो हमें टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ से देखिए, जब टी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल देखिए कॉन्स्टेंट आता है के, यहाँ पर लिखेंगे एल डी एंड वाई, प्रोसीजर सबके लिए वही रहेगा, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आएगा सी। तो यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस दिया है, मैं आपको बता दूँ यंग्स मॉडुलस जो होता है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब सेकंड बुक के फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे तो यंग्स मॉडुलस वाई इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस के हमारा फोर्स अपॉन एरिया, तो जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही हमारा स्ट्रेस का भी होता है। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का हो गया, अपॉन स्ट्रेन की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो जो हमारा वाई यंग्स मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये हमारा वाई का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब हम वन बाय वन यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। देखिए टी, तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी हो गया, तो यहाँ पर एम नहीं है तो क्या रखेंगे, एम को जीरो रख देंगे, एल भी नहीं है तो एल भी क्या रख देंगे, जीरो। टाइम ऑफ पीरियड टी है तो उसके डायमेंशन फॉर्मूला उसके यूनिट के पावर में क्या रख देंगे हम, वन। एंड के ऐसी रहेगा, एल लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है इंटू ए, डेंसिटी डी दी है, तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस थ्री इंटू क्या आएगा यहाँ पर बी इंटू वाई, यंग्स मॉडुलस का क्या लिखा है हमने, एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर में क्या जाएगा सी। तो यहाँ से करेंगे हम दोनों और पावर को कंपेयर करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले के इसे लिखेंगे एल की पावर ए, देखिए क्या आएगा एल की पावर ए इंटू यहाँ पर आएगा एम की पावर, देखिए क्या लिख सकते हैं बी इंटू एल की पावर कितना आएगा माइनस थ्री बी, यहाँ देखिए एम की पावर कितना आएगा सी एंड एल की पावर कितना आएगा माइनस सी एंड टी की पावर कितना आएगा माइनस का टू सी। अगेन सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एम की पावर कितना होगा, एम और एम देखिए कितना है बी प्लस सी, एंड यहाँ पर देखिए एल की पावर कितनी है ए माइनस थ्री बी एंड माइनस सी, ये हमारे एल की पावर आई। एंड जो हमारे टी की पावर है, टी की पावर कितनी है, टी की पावर केवल कितनी है माइनस का टू सी। एंड यहाँ क्या है, यहाँ हमें दिया है एम जीरो एल जीरो और टी की पावर कितना दिया है वन दिया है। यहाँ पर हम देखिए दोनों और पावर कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, देखिए पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए m की पावर कितनी है b प्लस सी, तो और m की पावर यहाँ कितना है जीरो, तो लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स। तो क्या मिलेगा यहाँ से, मैंने देखिए m की पावर कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा, m की पावर यहाँ क्या है जीरो, पहली इक्वेशन। दूसरा मिलेगा यहाँ पर देखिए l की पावर कितना है a माइनस थ्री बी माइनस सी, यहाँ भी l की पावर कितनी है जीरो। अगेन देखिए t की पावर कितनी है माइनस टू सी इक्वल टू, यहाँ t की पावर कितना है वन, तो यहाँ देखिए c की पावर कितना मिलेगा माइनस वन बाय टू। सी की पावर को पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए सी की पावर को यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से बी माइनस वन बाय टू इक्वल टू जीरो, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बी की पावर कितनी आएगी वन बाय टू, तो बी की पावर वन बाय टू आई, सी की पावर आएगी माइनस वन बाय टू। अब बी और सी की पावर को क्या रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो निकल जाएगा हमारा ए निकल जाएगा, ए माइनस बी की पावर यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन बाय टू थ्री बाय टू, माइनस सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस ही है और माइनस ही है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस वन बाय टू इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करेंगे दोनों को वहाँ भेज देंगे, इन दोनों को उस साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा वन बाय टू आएगा माइनस का और प्लस हो जाएगा थ्री बाय टू। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से, ये मिलेगा हमें टू एंड थ्री में से टू करेंगे तो टू, टू से टू आएगा तो वन आएगा, तो ए इक्वल टू कितना मिला हमें वन, ए वन आया। तो यहाँ देखिए हमारा ए आ गया वन, बी आ गया वन बाय टू और सी आ गया माइनस वन बाय टू। अब ए बी और सी की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें जो मिलेगा टी इक्वल टू मिलेगा के एल की पावर ए कितना आया है वन, डेंसिटी डी डी है डी की पावर बी, बी कितना आया वन बाई टू, एंड वाई वाई है सी, तो सी की पावर कितना है माइनस वन बाई टू। तो यहाँ देखेंगे टी इक्वल टू के एल की पावर वन है डी की पावर वन बाई टू, इसको अपॉन में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वाई की पावर वन बाई टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो टी इक्वल टू लिख सकते हैं के एल, इसको देखो वन बाई टू है पावर वन बाई टू, तो इसको रूट में लिख सकते हैं, तो रूट कितना आएगा डी अपॉन वाई। तो ये जो आया हमारा रिलेशन आ गया, क्या है हमारा रिलेशन आया टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल अंडर रूट डी अपॉन वाई, तो ये हमारा गिवन रिलेशन आ गया।
चाहिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं, इसमें हमें क्या दिया इसको, इसमें देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वन अपॉन टाइम ऑफ पीरियड, या आपने क्लास नाइन साउंड वेल चैप्टर पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी होती है हमारी न्यू डिपेंड कर रही है डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, देखिए लेंथ एल लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब मास अपॉन लेंथ, इस पर डिपेंड करिए मास अपॉन लेंथ पे, तो इसको मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल m, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या है मास अपॉन लेंथ है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ होगा इनटू टेंशन t, टेंशन t को t से दिखाते हैं। अभी टेंशन क्या होता है, तो टेंशन भी एक टाइप का फोर्स होता है जो स्ट्रिंग के बीच में रखता है, जैसे हम दो स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को मैं स्ट्रेस्ड कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं टेंशन, तो टेंशन भी एक टाइप का क्या है फोर्स है, तो टेंशन टी पे डिपेंड कर रहा है, तो वही यहाँ पर क्या गया न्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, एल की पावर लिख देंगे ए, एम की पावर लिख देंगे बी और टी की पावर लिख देंगे सी। अब वन बाय वन हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे, देखें यहाँ पर एल, एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल, एल का डायमेंशन फॉर्मूला एल ही होता है, एम, एम क्या दिया हमें मास पर यूनिट लेंथ दिया, तो मास अपॉन लेंथ तो क्या लिखेंगे एम एल की पावर माइनस वन, क्योंकि मास की जो रिप्रेजेंट करता है एम से और एल को कैपिटल से, तो एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन। थर्ड है टेंशन टी, तो मैंने कहा टी भी एक टाइप का फोर्स होता है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्म में क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ये सारे डायमेंशन को हम यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एल, एल क्या है एल की पावर ए इंटू एम, स्मॉल एम क्या है मास पर लेंथ, तो एम एल माइनस वन की पावर बी, एंड टी टेंशन है, तो टेंशन का एक टाइप का फोर्स होता है, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू की पावर सी। अगेन देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन टाइम ऑफ पीरियड, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा टी माइनस वन, टी ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देंगे हम टी माइनस वन, तो यहाँ पर देखिए एम नहीं है तो एम की पावर जीरो लिखेंगे, एल नहीं है एल की पावर जीरो लिखेंगे, एंड के यहाँ सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा एल की पावर ए, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर देखिए एल की पावर कितनी है माइनस बी, थोड़ा ढंग से कर लेते हैं एम की पावर बी और एल की पावर माइनस बी, यहाँ आएगा एम की पावर सी, एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें के, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें के, देखिए एल की पावर कितनी है ए माइनस बी प्लस सी, एल एल एल, तो देखिए एल की पावर ए माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली देखिए एम की पावर क्या है, सॉरी पहले एम आते हैं यहाँ पर, एम की पावर क्या लिखते हैं एम है हमारा बी और सी, तो यहाँ पर आएगा बी प्लस सी, एंड टी, टी की पावर क्या है टी की पावर माइनस टू सी है, तो माइनस का टू सी, तो यहाँ से अब हम पावर की कंपेयर करेंगे एम जीरो एल जीरो और टी की पावर माइनस वन, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, दोनों और पावर की कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम की पावर कितनी है जीरो, तो यहाँ से मिलेगा बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड देखिए एल की पावर क्या है एल की पावर है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ भी एल की पावर कुछ नहीं है, यहाँ एल की पावर कितनी है जीरो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो, एंड यहाँ पर देखिए जो सी की पावर है सी कितना है माइनस टू सी, तो माइनस टू सी इक्वल टू यहाँ पे सी की पावर कितनी है माइनस वन, माइनस वन, वन से वन प्लस माइनस से माइनस कटा तो सी कितना है वन बाय टू। अब यहाँ देखिए सी की वैल्यू को यहाँ रखिए तो क्या मिलेगा हमें बी प्लस वन बाय टू इक्वल टू जीरो, वहाँ जाएगा तो बी की पावर कितनी आएगी माइनस वन बाय टू, तो बी की पावर आए माइनस वन बाय टू और सी की पावर आए वन बाय टू, इन दोनों की वैल्यू को हम ए में रखेंगे इस वाली क्वेश्चन में रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें देखिए ए बी कितना है माइनस वन बाय टू, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस वन बाय टू, एंड सी की पावर कितनी आई है वन बाय टू, तो वन बाय टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा टू प्लस टू, टू आएगा वन प्लस वन टू, तो टू से टू कटा वन इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या आएगा वन को वहाँ भेज देंगे तो कितना आएगा माइनस वन, तो ए की वैल्यू है हमारे माइनस वन। अब ए बी और सी की जो हमारे वैल्यूज आई उनको हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करने से हमें क्या मिलेगा देखिए जो फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू मिलेगा के एल की पावर ए कितना आया था, ए आया था माइनस वन, एंड एम की पावर बी है, देखिए बी कितना आया था माइनस वन बाय टू, एंड टी, टी है टी की पावर सी है, सी कितना आया था वन बाय टू, एम को मैं अपॉन में भेज दूंगा और एल को भी अपॉन में भेज देंगे, तो न्यू इक्वल टू के अपॉन एल अपॉन में आएगा और एम की पावर कितनी हो जाएगी वन बाय टू और टी की पावर कितना है वन बाय टू। देखिए यहाँ पर दोनों की पावर वन बाय टू है, तो जब भी पावर वन बाय टू है तो उसको क्या लिखते हैं रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी का देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा रिलेशन आया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट अपॉन एल इंटू अंडर रूट क्या आएगा टी बाई एम, तो यही हमारा क्या है गिवन रिलेशन आया। तो आपको अभी तीनों एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो थैंक यू।